वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ बैक फ्लिप में पीछे कैसे पलटे और बैक फ्लिप कैसे सीखे। इसके मैं वीडियो पार्ट वन भी बना चुका हूँ जो कि आई बटन पर लिंक होगा, आप देख सकते हो। और अगर इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको लगभग 7 दिनों में ही कम्प्लीटली बैक फ्लिप आराम से सीख जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका हर एक लोगों का रिप्लाई मैं दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सो फ्रेंड, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई सा भी स्टंट करने से पहले एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक पार्ट के शरीर का हर एक पार्ट मूवमेंट खोलने के लिए एक्सरसाइज ही कम्प्लीटली होती है शरीर के लिए। और बैक फ्लिप के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ही है जो कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। अगर इसको आप फॉलो करोगे तो बैक फ्लिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एकदम से अच्छी कम्प्लीटली बैक फ्लिप आएगी। तो इसी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली देखो। इसके बाद हमें हॉप देना सीखना होगा और हॉप के साथ फोल्ड करना सीखना होगा हवा में। तो सबसे पहले पोजीशन बना लो अपने पोजीशन पे, और जो कि छाती होती है सीना, उस पर आप लोगों को घुटने को ऊपर की साइड होप देके फोल्ड पकड़ना है हाथों से। बैक फ्लिप मारने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक साइड पोजीशन ले, तरीके से मैंने मार के दिखाया है। हम लोगों को बैक फ्लिप मारना है तो हाथों को पीछे नहीं मारेंगे, पीछे मारेंगे नहीं, क्योंकि पीछे हम लोग बैक जंप में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोगों को अच्छी हाइट लेनी है तो हाथों को ऊपर की साइड पुश करेंगे जो कि हम लोगों का बैक फ्लिप आ जाएगी। तो इस तरीके से होगा, आप लोगों को हाथों को बिल्कुल और अपने मुंडी को, हेड को एंड अपने सीने को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है सामने, और माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। और हाथों और पैरों की मदद से हाथों को सबसे पहले ऊपर की साइड होप देना है और इस तरीके से करना है। सो फ्रेंड, तो कम्प्लीटली जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए, आप लोग अच्छे से कर पा रहे हो, उसके बाद आप लोगों को किसी एक की, अगर आप लोगों को डर लगता है तो आप लोग किसी एक की सपोर्ट ले सकते हो। और इसे ज़मीन पर ट्राई मत करना और किसी भी चीज़ के ट्राई करना जो कि आप लोगों को चोट ना लगे, क्योंकि बैक फ्लिप में चोट लग गई तो आप लोगों को डर बन जाएगा। तो अब इसके बाद कम्प्लीटली जब आ जाए उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल परफेक्टली मारना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और अगर मैंने इस वीडियो का पार्ट वन अच्छे से समझा रखा है, आई बटन पे लिंकों का जरूर जाके देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।